भाई तुम्हारे लिए मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ये रोमियो ना सिर्फ तुम पे मरता है। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर अंसारी। यार ये छोड़ो, आइसक्रीम खाने चलते, चलो। आइसक्रीम खाने पागल हो गए हो? मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है कल भाई, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बंद करो इसको यार, बिजनेस मैंने भी पढ़ा है लेकिन तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा बन के नहीं। और वैसे भी तुमने कौन सा जॉब करनी है? जॉब क्यों करूंगी मैं, अपने बाबा का बिजनेस संभालूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मजीद पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकती हूँ। पता है शादी से पहले ना सब लड़कियां तुम्हारी तरह एम्बिशियस होती हैं, और शादी के बाद वही करती हैं जो ताई अम्मी और मामा कह रही हैं। होती होंगी वो लड़कियां, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। पता है इतना पढ़ने से ना दिमाग में खुश्की हो जाती है, और ये जो चेहरे की खूबसूरती है ना ये भी गायब हो जाएगी। चेहरे की खूबसूरती अगर चली भी जाए ना तो मुझे पूरा अंदाजा है, शादी तो तुम मुझसे ही करोगे। बात तो ठीक है, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को ऐसी नजर से देखा ही नहीं। यार तुम्हारे फोन को अभी बजना था, तुम्हें तुम्हारी आंखों में डूबने ही वाला था। बहुत हो गया रोमांस, चलो उठो निकलो मेरे कमरे में से, मुझे बहुत सारे काम है, जाओ। कॉफी पीनी थी तो मुझे बताते, लाइए मैं बनाती हूँ। ये कॉफी हम खुद बनाएंगे क्योंकि ये हम अपनी बेटी मेहर के लिए बना रहे हैं भाई। अच्छा, मैं समझी आप मेरे लिए बना रहे हैं। आपके लिए बना देंगे, स्पॉइल कर देंगे आप उसको। रबिया बेगम, मोहब्बत से कोई स्पॉइल नहीं होता, आखिर को मेहर इतनी टैलेंटेड है, इतने उसमें गुण है, और तुम देखना इस दफा भी ना हाईएस्ट जीपीए लेके आई हूँ। मेरी बात सुने, लड़की का जीपीए नहीं देखा जाता शादी के बाद, तरबियत देखी जाती है। कमाल करती हैं आप रबिया बेगम। भाई वो कौन सा ब्याह के कहीं दूसरे महल्ले या दूसरे शहर में जा रही है, एक पोर्शन से निकलेगी दूसरे पोर्शन चली जाएगी। और वैसे भी मैंने उसको शादी के बाद कोई काम काज करवाना नहीं है, समझी ना। पढ़ी लिखी बच्ची है, इतनी ब्रिलियंट है, अपने बाप का फ्रोजन फूड्स का बिजनेस संभालेगी, है ना। आप तो ना मेरी कोई बात सीरियसली मत लिया करें बस। अरे बेगम सीरियस होके क्या करना है, वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, हंस बोल के गुजार देते हैं ना। ये कार्ड्स हैं, आप जरा ऑफिस के कामों से फुर्सत मिल जाए ना तो कार्ड लिख दीजिएगा और बांट भी दीजिएगा वक्त निकाल के। भाई आराम से निकाल लूंगा वक्त भी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात। नाराज ना हूं तो क्या करूं, भाई साहब ने तो बेटी को हथेली का छाला बना रखा है, कॉफी बना के पिला रहे हैं। तो भाई इसमें जेलिस होने वाली कौन सी बात है, तुम भी बना के पी लो। मैं भला क्यों जेलिस होने लगी खुदा ना खास्ता, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तैमूर और मेहर की शादी के बाद इस घर का क्या हाल होने वाला है। क्या हाल होने वाला है भाई, ऐसे ही चलता रहेगा, एक ही घर में रहते हैं, एक ही टेबल पे खाते हैं। अगर ये लाड प्यार बाद में भी चलते रहे ना मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। वाह सायरा बेगम वाह, यानी कार्ड लिखते के साथ ही सास बन गई आप। हाँ तो क्या करूं, भाई साहब को क्या सूझी थी, किसने कहा था बेटी को बिजनेस पढ़ाने की, हमने कौन सा उससे नौकरियां करवानी है। किचन का एक काम नहीं आता उस लड़की को, सारा दिन या तो अजमत पे रोब जमाती रहती है या अपनी मर्जी चलाती है।
आ जाएगा, काम भी आ जाएगा। और वैसे भी आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है। एक बात जहन में रखना सायरा बेगम, भाई साहब के साथ हमारी 40-60 की पार्टनरशिप है। हाँ जानती हूँ कि इस घर और बिजनेस में भाई साहब का ज्यादा पैसा लगा है, मगर आप और तैमूर भी तो इतनी मेहनत करते हैं। अब अगर ये बात आप रोज रोज अपनी भतीजी के सामने कहेंगे तो वो और ज्यादा सर पे चढ़ेगी। सच बताऊं, अगर तैमूर की पसंद और मर्जी ना होती ना तो मैं हरगिज भी इन दोनों की मंगनी ना करती। अनाया में भला क्या कमी है, मेरी भांजी भी है वो। देखो बात खूबी अकामी की नहीं, बात तैमूर की पसंद की है। मेहर अच्छी बच्ची है, वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। अच्छा अब अपना मूड ऑफ किए रखना है या आगे का प्लान भी करना है? प्लान क्या करना है, बस रिश्तेदारों के जो कार्ड हैं वो मैं और रबिया भाभी दे आएंगे, और फ्रेंड्स के और जो बिजनेस सर्कल के हैं वो आप तैमूर और भाई साहब मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, बस। ठीक है, जो हुक्म आपका। अच्छा अब तो मूड सही कर लो। मूड ठीक है मेरा। The best coffee in the world for the best girl in the world. Thank you, लेकिन आप क्यों लेकर आए? अजमत को बोल देते ना। अजमत को बोल देता, अजमत कॉफी तो बना लेती, लेकिन इसमें जो प्यार मैंने ऐड किया है वो कहाँ से लाती? Exactly, मेरे बाबा जैसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, तैमूर भी नहीं। बाबा, तैमूर और आपका क्या मुकाबला? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जाओगी तो वही ना तुम। फिर भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ भाई ये बात तो है, और मेरी बेटी की जगह भी कोई नहीं ले सकता। अच्छा आपने ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अरे मेरी जान, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साये के साथ साथ चलती हैं। And I know one thing for sure, nobody can beat my ambitious girl. अच्छा अब ये तुमने ड्राई फ्रूट भी खाने, ताजे ताजे ड्राई फ्रूट के, ये किशमिश तो मैं खा लूं। अपने हाथ से खिलाओ। डबल मीठी हो गई। जीते हो मेरा बाबा। फायस, तुम तो वैसे भी मुस्तकिल पाकिस्तान आ रहे हो ना, तो फिर मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकते? नहीं, तुम्हें मेरी शादी से एक हफ्ता पहले आना पड़ेगा पाकिस्तान, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ बाय। वाह फायस, अगर शादी में नहीं आया तो हमारी शादी नहीं होगी, मतलब तैमूर अंसारी की कोई वैल्यू ही नहीं। तैमूर, ये सिर्फ एक धमकी है, अब तुम देखना कि कैसे पाकिस्तान खींचा चला। ये देखो कॉल कर रहा है ना, अब सारा दिन मैं इसके फोन पिक नहीं करूंगी ना, तो इसका इरादा खुद ही चेंज हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आऊंगा, ये कोई बात हुई? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो यहाँ होना चाहिए ना। बाबा मुझे पता है वो तुम्हारा फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा चलो बेस्ट फ्रेंड। मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? तुम मेरे फैन से हो बस। तैमूर तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? वही तो सुनना चाहता हूँ। अच्छा, कल कमरे से निकाला था ना, आज गाड़ी से धक्का दे दूंगी। मेहर, तुम मुझे कितनी बार भी अपनी जिंदगी से निकालोगी ना, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम बहुत अच्छे होते हो। मैं हमेशा से अच्छा था कि आज अच्छा लग रहा? कुछ भी कह लो, इजहार नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हारी आंखें हैं ना, ये साफ साफ बता रही हैं कि मेहर अंसारी के दिल में सिर्फ तैमूर अंसारी है। अब आंखें पढ़ते रहोगे, मुझे अच्छा सा लंच भी करवाओगे? ऑफ कोर्स, बंदा तो गुलाम है, लेकिन उससे पहले हमने वॉलपेपर और फर्नीचर की सिलेक्शन करनी है। मैं चाहता हूँ हमारे रूम की हर चीज तुम्हारी पसंद की। इतना स्पेशल फील मत करवाओ मुझे कि मैं मगरूर हो जाऊँ। महर, तुम मुझे हर रूप में कबूल। चले चले, लेट्स गो। बहुत खूबसूरत है भाई।
ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत महंगा बनवाया है मैंने। हाँ अभी पता चलेगा, वो देखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमत, ये मेरे प्लांट्स बाहर किसने रखे? ये मैंने रखवाए हैं, अंदर बहुत मच्छर आ रहे थे। चची जान, इंडोर प्लांट्स हैं, बाहर तो धूप में खराब हो जाएंगे। अजमत जाओ, ये सारे प्लांट्स को उठाओ, वापस से अंदर रखो। तुम्हें पता ना ये खराब हो जाते हैं, और आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, समझी? जाओ। अरे भाई तुम कहाँ रह गई थी, और प्रेजेंटेशन कैसी रही? मामा यूनिवर्सिटी के बाद रमशा के घर चली गई थी, अब प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी रही, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। देखना A+ आएगा इंशाल्लाह। महर, तुम अपने पौधों, ड्रीम्स और एजुकेशन के चक्कर में ही लगी रहोगी, शादी की तैयारियां नहीं करनी क्या? अरे ये देखो ना, तुम्हारी चची ने कितने खूबसूरत जोड़े बनाए बरी के लिए। अरे वाह, ये देखो, ये देखो, कितना प्यारा कलर है। कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकती। क्यों, क्यों नहीं पहन सकती? दुल्हने तो ऐसे ही ड्रेस पहनती हैं शादी के बाद, और वैसे भी आपको तो पता है शादी के बाद फौरन दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चची जान मुझे आदत नहीं है, आप इन्हें चेंज करवा दें। महर, ये मेरे अकलौते बेटे की शादी, अगर बरी अच्छी नहीं होगी तो लोग समझेंगे कि शायद मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। और माफ कीजिएगा, आप लोग ने जहेज की शॉपिंग तो की है, लेकिन बिल्कुल रूटीन की। आई एम सॉरी चची जान, अब मुझे जो चीज़ पसंद होगी मैं तो वही पहनूंगी ना, दूसरों के मुताबिक तो जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आप इन्हें चेंज करवा दें। अरे मेहर, मेहर बेटा, मेरे बात तो सुनो बेटा। नहीं सुनेगी वो, रबिया भाभी जानती हूँ आपकी एक ही बेटी है, लेकिन आपने बिल्कुल भी तरबियत नहीं। महर को बात करते हुए इस बात का लिहाज ही नहीं रहता कि मैं उसकी सिर्फ चची नहीं, होने वाली सास भी। मेरे ड्रेसेस लाए हुए एक मिनट में उसने देखे और रिजेक्ट कर दिए। अरे सायरा, तुम क्यों दिल छोटा करती हो? मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ उसकी तरफ से, तुम तो जानती हो उसकी आदत। देखना शादी के बाद जब तैमूर कहेगा ना कपड़े पहनने के लिए, खुशी खुशी पहनेगी। अल्लाह जान। जरा घरदारी भी सीख लो, सायरा को तुमने नाराज कर दिया था। आपकी बेटी को एक भी बरी का जोड़ा पसंद नहीं आया, सारे रिजेक्ट कर दिए। बाबा वो इतने हैवी ड्रेसेस लेकर आई थी सायरा चची। समझाए ना इसको, रिश्तेदारों में दूसरों का दिल रखना पड़ता है भाई। हाँ बेटा, तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। हु? अच्छा सॉरी, सायरा चची से भी सॉरी करूंगी। भाई वो रफीक, बारात और वलीमे के वेन्यू देख लिया आपने? जी भाईजान, आप फिक्र ना करें, सब बता दियो, और जो अरेंजमेंट हमें चाहिए था वो भी बता दिया उनको। मतलब बारात का वेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया। बाबा आपने वो चीजें ऐड करवाई है ना जो मैंने आपको कही थी? अरे हाँ भाई, जो आप चाहेंगे वही होगा, फिक्र ना करें। थैंक यू। और वलीमे का मेन्यू सायरा और तैमूर डिसाइड कर लेंगे। भाई मुझे तो कोई इशू नहीं, मामा को जो पसंद हो ना वो आप लोग ऐड करा दें। मेरा ख्याल है शफीक भाई, आप ये वलीमे का जो मेन्यू है वो भी महर से ही पूछ लें, क्योंकि मेरे लाए हुए वलीमे के ड्रेस को तो इसने पसंद किया नहीं, तो मेरे बताए हुए मेन्यू इसको क्या पसंद आएगा। चची जान, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे आपका लाइवर ड्रेस बहुत पसंद आया। आपको पता है ना मैं बस इतने हेवी ड्रेसेस नहीं पहनती, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपका वाला ड्रेस जरूर पहनूंगी। भाई देख लो सर, कितनी अच्छी है हमारी बेटी। अब ऐसा करो कि तुम बहू और सास मिलके मेन्यू डिसाइड करो। क्यों भाई? हाँ कर लेंगे भाई, दोनों मिलके कर लेंगे। देखो वो डबल का मीठा जरा अच्छा सा होना चाहिए। बताए ना क्या डिसाइड किया आपने? भाई मेन्यू सामने होगा तभी बताऊंगी ना, ऐसे तो नहीं बता सकती।
अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, तुम बेफिक्र हो। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात। अजमत ये पकड़ो, तैमूर के सारे फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो लगाओ क्लोजेट में, और सुनो शर्ट्स जो हैं एक तरफ करना। अच्छा हाँ, रबिया भाभी से जाके ना मेहर का सूटकेस भी ले आओ, उसकी क्लोजेट भी अभी के अभी सेट कर दो, ठीक है ना? क्या रानी अनाया अंदर आ सकती है? मेरी बच्ची मेरी जान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। अब आप देखें, वादे के मुताबिक एन मेहंदी और माइयों से 2 दिन पहले आ गई हूँ मैं, और कैसी लग रही हूँ भाई। मैं तो पहले से इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं पीला जोड़ा ही पहन के आ गई। बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची से तुमने पहन लिया, बहुत प्यारी लग रही। और 2 दिन पहले क्यों, तुम्हें तो 1 महीना पहले आना चाहिए था, कम से कम खाला का हाथ तो बटाती। अरे खाला इतना क्यों गुस्सा कर रही है? अच्छा चले सॉरी, लेकिन मैंने जान पूछ के देर नहीं की। वो दरअसल ना मेरे शॉर्ट कोर्सेस चल रहे हैं, कुकिंग के, स्टिचिंग के, ब्यूटी के। अब लड़कियों को ये सब कुछ तो आना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, लड़कियों को एजुकेशन के साथ साथ ये सारे हुनर भी आने चाहिए। और क्या खाला, अब हर कोई मेहर की तरह खुश नसीब तो नहीं होता। इतना बड़ा घर, इतने प्यार करने वाले लोग, और बसंत की शादी भी। बड़ी खुशकिस्मत है भाई, वो लड़की सबके साथ तो ऐसे नहीं होता ना। खाला भांजी का अगर प्यार मुकम्मल हो गया हो तो इस बहन से भी कोई मिल ले। मेरी जान। अजमत तुम इसको छोड़ो और जाके जल्दी से चाय बनाओ। आओ भाई हम वहां बैठते हैं, तुम सुनो वो कैसी। तुम ये बताओ, सबसे पहले मुबारक तो लो बेटे की शादी। बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो, कैसी हो? क्या बात है, इतना बड़ा घर। कैसी होना है आप? शौहर के जाने के बाद जैसी औरतें होती हैं वैसी ही हूं, मेरी भी गुजर ही रही है। खुशकिस्मत तो तुम हो जो रफीक भाई जैसे बिजनेसमैन के साथ शादी हुई है। अब्बा को देखो, मुझे तो दुकानदार से ब्याह दिया, उसके सारे घर वाले भी उसी ज़हनियत के। इसके अब्बा के जाने के बाद जायदाद के सारे हिस्से कर दिए उन्होंने, दे दी मुझे भी 2 दुकानें। शुक्र करो ताहिरा के घर तुम्हारा अपना है। हाँ वो तो शुक्र है, बस मुझे अपनी अनाया की बहुत फिक्र है, क्या करूँ। अब मेरी नंद को देखो, जेठ को देखो, अपने बेटे को भी आया है, एक मर्तबा नहीं पूछा आके कि अपनी बेटी की कहीं शादी कर रही हो कि नहीं। उम्मीदें तो मुझे तुमसे भी लगी थी, अगर तुमने तैमूर की मेहर के साथ कर दी। अम्मी खुदा का खौफ करे, शादी वाले घर में बैठी आप, खाला का क्या कसूर है इसमें? भाई अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो शादी तो होनी है ना अम्मी। हाँ ताहिरा अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है, यकीन जानो कि ये शादी तैमूर और उन दोनों भाइयों की मर्जी और पसंद से होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसे करो कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ना इनाया के लिए अपने ससुराल में। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मेरी बेटी है ये, इसके लिए तो मैं बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगी। अम्मी किन बातों में फंसा दिया आपने खाला को। खाला छोड़े इनकी बातें, आप मुझे बताएं शादी वाला घर है कोई टप्पे शप्पे सीखे।
हाँ टप, तुम आ गई हो ना, बस अब टप्पे होंगे। अच्छा हम पहन क्या रहे हैं भाई, आपने क्या बनवाया? मैंने तो साड़ी बनवाई है, बहुत अच्छा काम करो। साड़ी पहनूंगी, क्या बात है खाला आपकी, मैं तो ना अपना वो पीला वाला जोड़ा पहनूंगी। ठीक है मम्मी। हातिम, हातिम जी, जी तुम हातिम? नहीं, उसे मैंने काम से भेजा है अपने। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की फिक्र लगी रहती है। ये देखो क्या बया कर किया उसने मेरी बहन का, ये स्त्री की उसने। काजिम ये तो मैंने स्त्री की थी। ये जिंदगी गुजर जाएगी ना, लेकिन तुम मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हो पाओगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डबल पी से मुझे सख्त चिढ़ है। I'm sorry, मैं ले जाती हूँ। छोड़ से रहने दो, मैं खुद हातिम से स्त्री करा लूंगा। ये सब क्या है? ये जो मेहर का जहेज है, ये भी हमारे घर से आएगा? घर की पहली बेटी की शादी हो रही है, मैं पुप्पी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती। हाँ उड़ाओ उड़ाओ प्रोफेसर काजिम की हक हलाल की कमाई, अलल्लो तलल्लो में उड़ाओ तुम। काजिम इसमें मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत है, भाई जान छिड़कते हैं हम पे, कितना पैम्पर करते हैं फारिस को, बाप की तरह हमें देखा है उन्होंने। एहसान किया उन्होंने मेरे ऊपर है? एहसान बल्कि उल्टा मैंने उन पे किया है, उनकी आम सूरत बहन से शादी करके जिसे पूरे खानदान के अंदर कोई मोह नहीं लगाता था। खुदा के वास्ते अभी रोना धोनाना शुरू कर देना। सेमिनार में जाने से पहले तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। सेमिनार? काजिम आज मेरू की माइयों है, आपने मेरे साथ जाना है माइयों पे। पाकिस्तान की तारीख और असली तकाजों जैसा अहम सेमिनार छोड़कर मैं वो खुराफा तो वो शादी अटेंड करूंगा, नाच गाना अटेंड करूंगा, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, बारात वली में मैं किसी तरह आ जाऊंगा। कार मैं लेके जा रहा हूं, तुम कैब से चली जाना। और ये जहालत का अंसर जो है अपने अंदर से कम करो। उसके लिए भी चांद से दुल्हन ढूंढनी है। कल आ रहा है ना, हम दोनों मिलके उसके लिए चांद से दुल्हन ढूंढेंगे। ठीक है डांडी। प्रेजेंस पप्पू, इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गई ना, यही बहुत था। क्या मतलब, खानदान की इकलौती बेटी की शादी हो रही है, तो मजाक तो नहीं? वैसे है तो मैं जरा देखूं आप क्या लेकर आई हैं। मुझे पता है पसंद। अच्छा बताएं ना आप क्या है? फेवरेट है तुम्हारी। बल्ले बल्ले नीटोर पंजा बढ़ती, बल्ले बल्ले नीटोर।
एक्सक्यूज मी दुल्हे राजा, 3 दिन तक सख्त पर्दा है आपका। यार पप्पू आप तो जालिम ना बने, और वैसे भी जहाँ दिल अटका हो वहाँ से दूर कैसे जाया जा सकता है। मैंने कुछ नहीं सुनना बस। ये देखो आप तो सिर्फ मेहर की पप्पो बन गई, मेरा भी आपसे कोई रिश्ता है, भतीजा हूँ मैं आपका। यार पप्पो सारी रौनकें तो यहाँ पे लगी हुई, मैं अपना अकेले में बैठ के क्या करूँ, और ऊपर से फारिस भी कल आ रहे हैं। अकेले क्यों, दोस्त ना गए तुम्हारे? दोस्तों का तो ना ही पूछे, वो तो व्हाट्सएप पे अपनी वालियों के साथ लगे हुए। ये वाकई तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तब भी तो मैंने सोचा मैं अपनी पप्पो के पास आके थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लूं। पप्पो के साथ या फिर? ये फाउल है तैमूर भाई, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों, वो बेचारा बोर हो रहा है, थोड़ी देर रहने दो। नहीं, ऐसे कैसे हम इतनी आराम से आने देंगे, एक शर्त है हमारी। अच्छा सुन लेते हैं क्या शर्त है, बताइए। डांस कीजिए। म्यूजिक म्यूजिक लगाओ भाई। एक मिनट भाई, मेरी भी एक शर्त है। आपकी हर शर्त सुनने से पहले ही कबूल। तुम्हें भी मेरे साथ डांस करना होगा। म्यूजिक। माशाल्लाह देखो भाई कैसी रौनक लगी हुई है। हाँ सब आए हुए हैं, सिर्फ एक काजिम नहीं है। उनका मिजाज तो आप जानते हैं भाईजान, ये सब कुछ तो उन्हें खराफात लगता है। हाँ, और ससुरालियों से मिलना उन्हें कुछ ज्यादा ही खराफात लगता है। ठीक कहा आपने भाईजान, वैसे कोई मौका जाने नहीं देते वो, जब हमें एहसास ना दिलाएं कि हमारी बहन मलिया से शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने हम पे। हाँ भाई, तालीम के दौरान मलिया की 2 बार मंगनी का टूट जाना अब्बा जान के लिए बहुत ही बड़े सदमे का बाइस था, और उस वक्त तो चॉइस सिर्फ काजिम ही की थी ना। खालाजाद बहन का बेटा अपना देखा भाला SPSC कर रहा था, हमें क्या मालूम था कि हमारी बहन को वो इस तरह रखेगा। शुक्र है भाईजान के फारिस ऐसा नहीं, बहुत मुख्तलिफ है अपने बाप से। हाँ भाई, बहुत ही होनहार बच्चा है, अब मैं तो 4 साल बाद देखूंगा उसको। ठीक कहा आपने, कॉल हो या वीडियो कॉल हो दूरी का एहसास तो रहता है भाईजान। अरे भाई बच्चों को देखो सीढ़ियों पे दौड़ रहे। चाय मंगाओ, चाय पियोगे? हाँ थकावट तो हो रही है भाई। यार किसी को बोलो चाय के लिए हमें भिजवा दे। मीर बेटा जल्दी आ जाना, सायरा बहुत नाराज होगी। क्यों परेशान हो रही हैं, मुझे जाने तो दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? मैं फारिस को पिक करने के लिए जा रही हूँ एयरपोर्ट, उसकी फ्लाइट थी ना बस पहुँचने वाला होगा। हाँ तो तुम अंदर जाओ, मैं रिसीव कर लूंगा उसको। नहीं तैमूर, मैं उसे पैक करने के लिए जाऊंगी, वो मेरी वजह से 4 दिन पहले अपने सारे काम छोड़कर आ रहा है। मैं नहीं जाऊंगी ना, उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम मायूं बैठ चुकी हो, मामा को बुरा लग जाएगा। तैमूर अब 7 दिन की शादी है, तुम खुद सोचो क्या 7 के 7 दिन में घर में कैद रहूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है, मैं कुछ नहीं लगता। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है, तुम तो मेरे सब कुछ हो ना। अब मैं जाऊं। मेरी ये मजाल कि मैं मेहर अंसारी को उसकी ख्वाहिश पूरी होने से रोक सकूं। मैं जाऊं। ओके बाय बाय।
I don't believe this. तुमने अपना वादा पूरा निभाया। तैमूर आने नहीं दे रहा था। I know चचा जान का भी मूड थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गई। What? मेहर अंसारी ने तैमूर अंसारी के होते हुए मेरे लिए टाइम निकाला। Oh my God. जब फारस शराज लंदन से मेरे लिए टाइम निकाल के आ सकता है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सामान रखते हैं। वो लड़की हर एक को जूते की नोक पे रखती है और तुम मुझे कह रहे हो कि रिलैक्स रहें। उसके नजदीक फारिस इंपॉर्टेंट है, तुम और मैं नहीं। आपको अभी गुस्सा आया, पानी पिलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है पानी वानी लाने की, मुझे नहीं पीना। देखो मैंने रात को ही मेहर को रिमाइंड करवा दिया था कि बेटा बारात और वलीमे के ड्रेस की फिटिंग चेक कर लो, अभी चेक कर लो। अगर तुम एन वक्त पे कोई कंप्लेन करोगी तो इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। मगर नहीं, उस लड़की को तो किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं है। देख लो, घर से चली गई और माँ बाप कुछ कहते ही नहीं, हद होती है। मामा जब बिजनेस शुरू करते हैं ना तो पहले इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ये प्रॉफिट तो बाद में आना शुरू होता है। बस आप समझें कि मैं भी यही कर रहा हूं। एक बार आप मेहर से शादी हो जाने, फिर जैसा आप चाहेंगे और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही। बस यही कह कह के तुमने मुझे इस मेहर के रिश्ते के लिए राजी किया, वरना माफ करना, मेरा तो पूरा वोट अनाया की तरफ ही था। Come on, मामा, अनाया और मेहर का कोई कंपैरिजन नहीं है। मेहर तो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक है। इसी बात का तो गरूर है उसे। तो होने दीजिए, मेरा नाम भी तैमूर अंसारी है। चार साल बहुत लंबी देर होती है बेटा। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके पास। अरे भाई फारिस, अपनी माँ से ही मिलते रहोगे या बाप के भी गले लगोगे? अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो मुझसे कहा था कि डैड मैं खुद आ जाऊंगा कैब से, तो फिर ये तुम मेहर के साथ कैसे आ गए? वो पापा, मैंने ही फारिस को कहा था कि मैं पिक करने आऊंगी। हाँ ये बात तो है, मलिया के खानदान से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तुम दुल्हन होकर एयरपोर्ट चली गई इसे लेने के लिए और किसी ने तुम्हें रोका नहीं। मैं अपने मामा पापा को बताकर आई हूँ। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मलिया तुम यहाँ खड़े हमारी सूरत क्या देख रही हो? जाओ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। चार साल के बाद बेटा आया है और फिर भतीजे की होने वाली बीवी आई है। ऐसे मैंने तो सोचा था कि तैमूर की और तुम्हारी बहुत अच्छी सी दावत करेंगे, लेकिन खैर। अच्छा पुप्पो, मैं चलती हूँ। नहीं मेरी जान, खाना खा के जाना ना। नहीं नहीं पुप्पो, वो मम्मा वेट कर रही होंगी। डैड आप कभी बगैर ताना दिए बात नहीं कर सकते। मैंने उसे कहा था कि मैं स्पेशली उसकी शादी के लिए आ रहा हूं। मैंने उसे कहा था कि एयरपोर्ट से आके मुझे पिक कर। वकालत पढ़ के आए हो, वकील बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बाप को पढ़ाने की कोशिश मत करना गलती से। बहुत साल तुम्हारा इंतजार किया मैंने, जमा शुदा पूंजी हो मेरी तो। समझा लेना इसे। हमारे बीच के फासले कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा मत कहो।
इंशाल्लाह इस बार सब कुछ ठीक हो। बचपन से आपकी ये बात सुन रहा हूं, सारे हक ना शादी के बाद जताना तैमूर अंसारी। हाय तैमूर अंसारी कहती हो ना, खुद बहुत ही दिल पर हाथ। माशाल्लाह इतनी लकी हो तुम। वो तो मैं